चलिए मेरे भाई लोग, यार आज की वीडियो में बात करेंगे यार खिलाड़ी मूवी के रिव्यू के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग देने वाले खिलाड़ी मूवी का रिव्यू, 5 आउट ऑफ कितने स्टार में इसको दूंगा। मूवी में क्या क्या देखने को मिला, देखने लायक है या नहीं है, यार सब बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। तो भाई यार, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर लिया, चलो वीडियो को स्टार्ट कर। तो बात करते हैं यार मूवी के प्लस पॉइंट क्या क्या है। तो गाइस यार मूवी में यार आपको यार इसकी स्टोरी यार खुद ही इसके लिए एक प्लस पॉइंट है। काफी अच्छे तरीके से इसको स्टोरी को दिखाया गया है मूवी में। और गाइस यार इसकी हिंदी डब्ड वर्जन, मतलब इसका जो हिंदी डब्ड वर्जन यार कहीं से भी ऐसा नहीं लगता यार कि ये हिंदी डब किया गया है। मतलब लगता है यार कि इसकी ओरिजिनल ऑडियो हम लोग देख रहे हैं, मतलब यार वैसे ही इसको डब किया है हमारे बाबरिया सर ने रवि तेजा की वॉइस को। और गाइस यार आप जानते हो हर मूवी में वही डब करते हैं रवि तेजा की वॉइस को, जो भी हिंदी डब होती है मैक्सिमली वही डब करते हैं। और गाइस यार वो काफ़ी तरीके से अपना वर्क करते हैं, और गाइस इस मूवी में भी वर्क दिख रहा है बहुत मेहनत के बाद। यार काफ़ी बेहतरीन तरीके से डब आपको देखने को मिला, जैसे यार आपको पुष्पा में भी काफ़ी अच्छा डब देखने को मिला था हिंदी का। और इस तरह यार इस मूवी में यार मूवी की स्टोरी प्लस पॉइंट है, उसके साथ साथ हिंदी डब का म्यूजिक भी गाइस यार एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि यार जब बीजीएम और ट्रैक वगैरह गाइस जब मूवी में बज रहे हैं तो गाइस यार गूस बम्स आ जा रहे हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि इसकी म्यूजिक भी एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। सॉन्ग्स तो उतना नहीं बोल सकते लेकिन तब भी यार सॉन्ग्स भी अपने जगह पे गाइस ठीक ही है। और यार सेकंड हाफ में गाइस यार आपको बहुत सारे ट्विस्ट देखने मिलेंगे, इतने ट्विस्ट देखने को मिलेंगे यार कि आपका सर ही घूम जाएगा। तो गाइस यार ये भी आप में यार आपको दिखेगा यार कि कुछ लोग का पैसों से भरा कंटेनर कहाँ से जा रहा है और कहाँ पहुँचने वाला है। यार उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया यार किस टॉपिक पे किस तरीके से आप मूवी में देखने को मिलेंगी। और गाइस यार इस मूवी में मैं आपको बता दूं यार कि आपको काफ़ी एक्शन, कॉमेडी और रोमांटिक और हर एक चीज़ देखने को मिलेगी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इसके अंदर ना मिले। बस थोड़ा सा इमोशनल की थोड़ी सी कमी यहाँ पे आप बोल, बस थोड़ा सा यार इमोशंस थोड़ा सा हो सकता था और भी बेहतरीन इसको बनाया जा सकता था, लेकिन यार तब भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ये मूवी दिखा रही है। और भाई मूवी अपने मतलब जितना इससे एक्सपेक्टेशन था उतना ये मूवी खड़ी उतरी है। और गाइस यार काफ़ी अच्छी तरीके से ये परफॉर्म किया गया है हर एक एक्टर्स के तरीके से, मतलब यार सभी दोनों एक्ट्रेस भी काफ़ी अच्छा वेल एक्टिंग की हैं। और गाइस यार रवि तेजा मास मारा जाए कि तो बात ही क्या लगे यार, वो तो मैंने आपको पहले भी बता चुका है, वो जिस कैरेक्टर को भी करते हैं मतलब छा जाते हैं भाई, गजब नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस दिया है रवि तेजा ने भी। और गाइस यार मेरा रिव्यू था कुछ इसी तरीके से, मैं आपको 5 आउट ऑफ 3.9 स्टार देना चाहूँगा। आपको कैसा लगा मेरा रिव्यू यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो अगर और भी किसी मूवी पर रिव्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यार नेक्स्ट वीडियो यार फिल्म से लेकर अपडेट सारे आते रहते हैं चैनल पे, तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी यार प्रॉब्लम से यू।